हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिंकू। वेलकम टू स्टडी इनसाइडर। अज आप इस वीडियो के गल करांगे जी मास्टर कैडर टीचर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे। जिस तरह कि थोड़ा पता है कि जो इसकी डेट है जो एक्सटेंशन कर दी गई है इसकी 31 मार्च 2020 तक तुसी इस नू जो अप्लाई कर सकते हो। इसका जो पब्लिक नोटिस है इसकी ऑफिशियल साइट के उत्ते पा दिता गया है, ठीक है। तो बहुत सारे जो कैंडीडेट ने उन्होंने इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि हुण जिस तरह कि तुहानूं पता है जो लॉकडाउन किया गया पूरा इंडिया उसके अकॉर्डिंग तुसी इस नूं जो बैंक दे विच जा के ये चलान क्योंकि ऑफलाइन है तो तुसी इस नूं नहीं पढ़ सकते। तो एक जो इसी दे रिलेटेड आप इस वीडियो दे विच गल करांगे। तुसी इस वीडियो नूं जरूर लाइक करो तो कमेंट करके जरूर दस्सो किदां दी लगी, तो बाकी इस नूं शेयर भी जरूर करो बाकियों दे नाल जिन्हां नूं इस चीज़ दे नाल रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है। तो बाकी होर गल जिन्हें भी थोड़े जिन्होंने पहला पेमेंट की है जो चलान पहला भरे ने उन्होंने जो कोई भी इस दे रिलेटेड कोई इशू है तो वह जिस तरह कि तुसी देख सकते हो इसकी ऑफिशियल साइट के उत्ते इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है उत्थे जाके तुसी इसनों इसकी कॉपी है जो उसनों सेंड कर सकते हो उसकी फोटो है जो ठीक है फर्स्ट कॉपी उसनों तुसी सेंड कर सकते हो उसके उत्ते जाके तेन कोई भी थोड़ा जो इस दे रिलेटेड इशू है। तो जे आप गल करिए कि किस तरह तुसी इसकी फीस भर सकते हो जा की हुण बाकी जिन्होंने हाले तक इस नूं अप्लाई नहीं किया क्योंकि हुण जो पी एस टेट 2018 का रिजल्ट भी आ चुका है उस तो बाद जिन्होंने अप्लाई किया है तो वह इसकी फीस किदा भर सकते हैं जां कोई भी इस दे विच एक्सटेंशन अगे होएगी जां नहीं। तो गल करते आप शुरू तो कि जो मास्टर कैडर 2020 का एग्जाम है, ठीक है, जिस तरह कि जो पूरा इंडिया लॉकडाउन किया गया हुण 21 दिन इसके होर बढ़ा दिए गए हैं मोदी जी द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेट है एग्जाम की वह भी हाले अगे जाएगी। उस तो बाद इसकी जो जिस तरह कि थोड़ा पता है 1 अप्रैल 2020 इसकी सबमिशन की डेट है यह भी कन्फर्म है कि इसनों भी हाले जो एक्सटेंड किया जाएगा इसनों भी हाले होर एक्सटेंड हो जाएगी ये डेट। तो तुसी इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो कि तुसी इसकी जो फीस है नहीं भर सकते, थोड़े लिए या तो यह ऑनलाइन किया जाऊगा सिस्टम या इसकी जो डेट है वह थोड़े लिए कन्फर्म है कि यह अगे पोस्टपोन कर दी जाऊगी, ठीक है। उस तो बाद तुसी की करना है इसकी जो रजिस्ट्रेशन करवा के उस तो बाद इसकी जो चलान की फस्ट कॉपी है जो उसका प्रिंट है वो तुसी कढ़वा के रख लेना। तो उस तो बाद तुसी जो इसकी डेट एक्सटेंड की जाऊगी तुसी उस तो बाद इस भर सकते हो, बट तुसी एक बार इसकी रजिस्ट्रेशन तो इसका जो चलान है उसका प्रिंट कढ़वा के अपने पास तुसी रख लेना, ठीक है। इस तरह तुसी इस भर सकते हो इसकी डेट एक्सटेंड की जाऊगी। तो नाल जिन्हों कोई भी इशू इस रिलेटड वह इस जो ईमेल आई डी के उत्ते अपना जो कॉपी है बैंक चलान की तुम उस उस जाके सेंड कर सकते हो, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन से अपने जिस दे बारे इस वीडियो के गल की है। बहुत सारे कैंडीडेट्स इस बारे कन्फ्यूजन से बाकियों भी तुम इस वीडियो में जरूर शेयर करो ता कि सारियां नूं इस दे बारे पता लग सके। तो जे थोनों यह वीडियो वधिया लगी हो तो इसनों जरूर लाइक करो कमेंट करके जो दसो किदां दी लगी। तो मिलते आप अपनी नैक्सट वीडियो के।